सबसे बड़ा सवाल है कि मोबाइल अंदर कैसे चला गया और आधे घंटे पहले मोबाइल बांट दिया गया। कि मान लीजिए मेरी सेटिंग है, मुझे अकेले को मोबाइल देंगे तो सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, उन्होंने क्या सबको दे दिया। इसमें कहीं ना कहीं जांच की जाएगी तो बड़े बड़े चेहरों का उजागर हो सकता है, बड़े बड़े नेता लोग इसमें मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करूंगा, बात रखूंगा इनकी पीठ, यदि वहां से भी हमें न्याय नहीं मिलता तो पूरी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े तो खोलेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं अभी स्पष्ट कह दूं, सभी राजनीतिक पार्टियों को चेता दूं, 2023 में चाहे केंद्र के या कहीं भी चुनाव हो, युवाओं का सबसे बड़ा रोल होगा और ये युवा आज बेरोजगार है, इन नेताओं को जरूर बेरोजगार कर देंगे। आज इनको न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं ये युवा सुपड़ा साफ करेंगे और उनको बेरोजगार करके घर में पोलियों में बिठा देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका खास राजस्थान में। बेरोजगारों की कोई भी मांग हो तो सबसे पहले बेरोजगारों का मसीहा उपेंद्र यादव सबके साथ में एक ही आवाज़ पर मजबूती से खड़े होते हैं, वो चाहे 10 तारीख की बात हो, चाहे मुकदमों की बात हो और चाहे आज SI भर्ती को लेकर बात हो। राजस्थान में वर्तमान में भर्तियों को लेकर प्रतिदिन चर्चाओं में रहता है, वो चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे खुलेआम धांधली हो, चाहे पैसों को लेकर पेपर का बिकना हो। किन किन मांगों को लेकर उपेंद्र यादव के नेतृत्व में यहाँ शहीद स्मारक पर ये लोग धरना दे रहे हैं, क्या है उनकी मांग पूरी जानेंगे। खास राजस्थान में क्या क्या मांगे हैं उपेंद्र यादव? मांग यही है कि जो SI भर्ती 2021 में जो मामले सामने आए जी, एक तो बीकानेर का मामला सामने आया जी। बीकानेर में पेपर व्हाट्सअप किया जाता पाली और पाली से हल होकर वापस जाता, उसमें 12 लोग पकड़े गए। एक मामला वो सामने आया जहाँ SP का बयान आया कि वास्तव में पेपर लीक हुआ। दूसरा अलवर का जयदेव की जो ओमार सीट बाहर आना, वीडियो बाहर आना। तीसरा यहाँ जो डमी अभ्यर्थी पकड़े गए जी, वो मामला सामने आया। बिल्कुल, इसके अलावा पेपर खुले पाए गए हैं। वीडियो एक नहीं दो हैं, एक अलवर का एक जयपुर का है। पेपर खुले पाए गए, किसी की जाँच नहीं की गई, बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं था और सबसे बड़ा सवाल है कि मोबाइल अंदर कैसे चला गया। मोबाइल एक जगह नहीं, एक सेंटर पे नहीं, कई सेंटरों पे गया। बिल्कुल, वीडियो और आधे घंटे पहले मोबाइल बांट दिया गया। वो क्यों बांट दिया गया? कि मान लीजिए मेरी सेटिंग है, मुझे अकेले को मोबाइल देंगे तो सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, उन्होंने क्या सबको दे दिया। अब मोबाइल पेपर तो मेरे पास ही आना था क्योंकि उनको आंसर हल करके देना था, पहले से सेटिंग थी। तो ऐसे में जो सारे जो हालात बने, जो सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि SI भर्ती 2021 सुरक्षित है। 859 परिवारों को नौकरी मिल पाएगी, जांच की जाएगी तो हजारों लोगों तक ये पेपर पहुंचा है। आज इसी के विरोध में ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। माने मुख्यमंत्री से गुहार करें कि आप अभिभावक हैं, आप न्याय प्रदान करें। जिस प्रकार जैन डिग्री की जो माने मुख्यमंत्री जी SOG से जांच करवाई और जांच में जो सारी चीज़ें निकल गई उसके बाद उस पेपर को रद्द किया, उसी प्रकार जल्द जाँच करवा कर 100% हमारे पास सबूत भी है, कानूनी सहारा भी लेंगे और इसमें गड़बड़ियाँ हुई है, जाँच कराओगे 100% गड़बड़ियाँ सामने आएगी और इसको जाँच के बाद तुरंत मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेकर भर्ती को रद्द करना चाहिए, जिससे नए अभ्यर्थियों को मौका, इन अभ्यर्थियों को मौका मिले। साथ में ही हम मांग कर रहे हैं कि कानून बनाया जाए, मांग कर रहे हैं कि उम्र कैद की सजा या 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाए, जो लिप्त है उनकी संपत्ति जब्त की जाए। एक चीज़ और है, जिस स्कूल में गड़बड़ियाँ हुई है या गड़बड़ियाँ करवाई है उस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, जो इसमें टीचर लिप्त है उसको बर्खास्त किया जाए, उसको भी जेल में डाला जाए। कहीं ना कहीं इसमें बड़ी गैंग है और जो जगदीश बिश्नोई, ओम प्रकाश बिश्नोई और अमृतलाल मीणा जो लगातार एक इन चीज़ों को लेकर बढ़ावा दिया, लगातार वो रहे हैं इसमें, महारत हासिल किया उन लोगों ने, कई पहले वो पकड़े गए, कई मुकदमे दर्ज हुए, तो उनको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ होगा। क्योंकि उनको गिरफ्तार किया नहीं जाता, उन लोगों ने उद्योग धंधा बना लिया है, जेल जाते बाहर आ जाते हैं। लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, आज तक पता नहीं चला कि कब संदीप नेहरा, शिव भगवान की गिरफ्तारी हुई और वो गिरफ्तार होकर छूट भी गए, आज तक पता नहीं चला। पेपर तो सरकार की मिली भगत है इसमें, इसमें कहीं ना कहीं जांच की जाएगी तो बड़े बड़े चेहरों का उजागर हो सकता है, बड़े बड़े नेता लोग इसमें मिल सकते हैं। इसलिए हम लोग तह तक जांच करने की मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि SI भर्ती 2021 की जो तमाम अभ्यर्थी इकट्ठे हैं उनको न्याय मिले। हम मांग कर रहे हैं सख्त कानून बने, कि सख्त से सख्त कानून नहीं बनेगा जब तक इनका व्यापार उद्योग धंधा बंद नहीं होगा। लेकिन यह स्पष्ट है, हमने जो लड़ाई का ऐलान किया यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है, सरकार को सख्त कानून बनाना पड़ेगा। हम प्रतिदिन बेरोजगारों से बात करते हैं, बेरोजगारों का कहना है कि हम मुश्किल से तो 3-4 साल में भर्ती आती है, उसके बाद में 500,000 रुपये फॉर्म के खर्च करते हैं, कोचिंग करते हैं, घर से दूर रहते हैं, हमारा गुनाह क्या है? फॉर्म भरना और एग्जाम देना, हमारा एक ही मसीहा उपेंद्र यादव। किस प्रकार की आगे की रणनीति रहती रहेगी आपकी कि आप उनको न्याय दिला सके? देखो एक चीज़ बताऊँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, धरातल पर हम संघर्ष कर रहे हैं, न्यायालय की भी शरण लेंगे कि हमारे साथ न्याय हो। इसके अलावा ये ज़रूर है कि युवा जाग चुका है और यदि युवाओं की नहीं सुनी, मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करूंगा,
बात रखूंगा इनकी पीड़ा, यदि वहां से भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो पूरी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े तो खोलेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये जरूर है कि 2023 मैं अभी स्पष्ट कह दूं, सभी राजनीतिक पार्टियों को चेता दूं, 2023 में चाहे केंद्र के या कहीं भी चुनाव हो, युवाओं का सबसे बड़ा रोल होगा और ये युवा आज बेरोजगार है, इन नेताओं को जरूर बेरोजगार कर देंगे। ध्यान रहे जो नेता MLA सांसद जो भी है आज युवाओं की आवाज़ नहीं उठा रहे, आज उनके दर्द में शामिल नहीं हो रहे, आज इनको न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं ये युवा सुपड़ा साफ करेंगे और उनको बेरोजगार करके घर में पोलियों में बिठा देंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उपेंद्र यादव वो चेहरा है जब कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की बात आई तो उसके लिए ये उत्तर प्रदेश भी गए, दिल्ली भी गए और राजस्थान में जब भी बेरोजगारों की बात आती है तो एक ही व्यक्ति खड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि वो धरातल पर काम करते हैं और आए दिन वो ट्वीट करते हैं और सरकार उनको सुनती है, उन समस्याओं का समाधान भी करवाती। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि सरकार तारीख पे तारीख देती है और मंत्रियों के पास समय नहीं है बात करने के लिए, बात करते हैं तो 5-5, 6-6 घंटे बाहर खड़ा रहना पड़ता है। आपकी बात सही है, कई मंत्री मिलते भी नहीं है और लगातार मैंने आवाज़ उठाई है और 10 तारीख को जो आंदोलन था करीब 3,000 लोग पहुँचे और क्योंकि हमारा जो संगठन है, हम सब जो बेरोजगार है, अब किसी ने भी आज सुबह से खाना नहीं खाया, सब भूखे हैं, न हमारे पास टेंट की व्यवस्था देख लीजिए, न बसों की व्यवस्था है। हम गरीब परिवार से, किसान परिवार से, मध्यम परिवार से लोग आते हैं, जब नेताओं की रैली होती है उनके पास गाड़ियाँ भी होती है, खाना भी होता है, टेंट भी होता है, बड़े बड़े बैनर भी होते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर वो आंदोलन करते हैं, उनका मैनेज होता है, राजनीतिक लोग आते हैं, ये बिना राजनीति प्रेरित आंदोलन है, ये शुद्ध इसलिए नाम ले रहा हूँ, आजकल और भी प्रदर्शन होने लगे हैं जो शुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध बेरोजगार हैं, जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, वो आए हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी जैसे पहले 10 तारीख को हमें इसलिए हटना पड़ा, मेरे खिलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, कोरोना गाइडलाइन का आदेश हुआ गृह विभाग का, तो हमने मेरे बेरोजगार को भविष्य देखते हुए कि कहीं मुकदमा दर्ज नहीं हो जाए, हमें पीछे कदम उठाया। लेकिन जैसे सामान्य स्थिति अब हो रही है, जारी हो रहे हैं, इस बार जो मापड़ाव डलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई होगी और वो 2023 के नतीजे अभी तय कर देंगे हम। मैंने तो 10 तारीख को आपके धरना स्थगित किया और हाथों हाथ पुलिस कर्मचारी आपके पास में है कि आप पर मुकदमा है, आप थाने आ जाइए, क्या कुछ घटनाक्रम था वो? देखो 5 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया और मुझे बताया नहीं गया, 10 सितंबर को बताया गया और मुझे उनकी रणनीति ये थी कि 10 तारीख को कुछ थोड़ा सा भी कुछ होगा गिरफ्तार करेंगे तो फिर जेल में दूसरे मुकदमे में, यानी कि 1-2 महीने उसको अंदर रखने की प्लानिंग थी, क्योंकि जब 5 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ तो मुझे बताना चाहिए, तो मुझे 10 सितंबर को आंदोलन समाप्त होने के बाद कहते हैं कि आपको जमानत के लिए थाने जाना है, आपकी मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि मैं थाने पूछा हूँ, जब मैंने मुकदमा पढ़ा, FIR देखा, तो उसमें लिखा है कि 5 जुलाई को आपके कार्यालय के बाहर 20-25 लोग इकट्ठे हुए, 20-25 लोग इकट्ठे हुए कोरोना काल में। मैंने कहा MLA मंत्री विपक्ष पक्ष सब नेता लोगों की जनसुनवाई होती है वहाँ इकट्ठे, ये 20-25 लोग वो हैं जो पीड़ित बेरोजगार हैं जो मेरे कार्यालय आए। उस दिन मैं पहले जॉब नेट था, उसके बाद पुलिस वाले मेरे कार्यालय में आए, मैंने गवर्नर के हाउस का घेराव का ऐलान किया था, वो जॉब नेट कृषि विश्वविद्यालय की पीस को लेकर, बिल्कुल, तो वहाँ पुलिस वाले SHO महेश नगर घनश्याम जी आए, मेरे से मुलाकात की और हम मात्र दो लोग मेरे कार्यालय में थे, 15-20 लोग बाहर थे, मैंने नहीं बुलाया था, वो अपनी पीड़ा लेके आए थे, उनका ज्ञापन मैंने ले लिया था और वो हमें मुझे ले गए गवर्नर हाउस ले गए, वहाँ ज्ञापन दिलाया और ज्ञापन के बाद हमारी समस्या का हल भी हो गया था, तो मैंने वो घेराव का ऐलान कैंसिल कर दिया। अब मुझे तो पता चला कि मुकदमा भी दर्ज करके साथ में, हाँ कोई दिक्कत नहीं, यदि मुझे किसी युवा बेरोजगार की आवाज़ उठाने मुकदमा मिलता है तो ये इनाम लेने के लिए मैं तैयार हूँ, गोली मिले लाठियाँ मिले मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा ना समझौता करूँगा, लड़ाई लड़ते रहेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसे 10 तारीख को आंदोलन हुआ जी, पहले फरवरी में हुआ, कई बार क्या होता है कि उस समय आंदोलन हम करते हैं, कई बार आर्थिक हालातों की समस्या है कि 9 दिन महापड़ाव चला, रोज खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती और कई चीज़ों को देखते हैं कुछ काम हो जाते हैं, तो कई बार पीछे हटना पड़ता है, कई लोगों के काम हो जाते हैं, वो लोग जिनकी नौकरी लगती है करीब वो चले जाते हैं। 9 साल के संघर्ष के दौरान करीब 1.5 से 2 लाख परिवारों को नौकरियाँ मिली है, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़ा, उत्तर प्रदेश, आज वो 453 परिवारों को राहत मिली, वो स्थायी भर्ती होगी, कई ऐसी भर्तियाँ जिनको जिंदा करवाकर हमने न्याय दिलवाया है। लगातार हम प्रयास संघर्ष करते हैं, कई लोग सवाल उठाते हैं कि उपेंद्र यादव धरने पे बैठ जाता है, उड़ जाता है, उपेंद्र यादव की मजबूरी होती है, उपेंद्र यादव, अब ये सब लोग पहुँचे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे परिवार के सदस्य किसी के मुकदमा दर्ज नहीं हो।